जय भीम साथियों, अभी हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जहां एक बहुजन संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, भीम आर्मी के द्वारा किया गया है। इसमें देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और एक हमारे साथ ऐसे ही युवा हैं जो बिहार से आए हुए हैं और भीम आर्मी को वो सपोर्ट करते हैं और उनसे जानते हैं आज इस सभा का और इस संकल्प का जो क्या मेन मकसद था और क्या काम था। इस सभा का मेन मकसद था कि इस सरकार को संदेश देना कि हम कमज़ोर नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत है कि तुमको हिला देंगे और 19 में उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार और उसके सहयोगी नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ हमारे दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, आए दिनों बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे हमारा समाज तंग आ चुका है और हमारे भाई भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय मतलब संस्थापक अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर भाई रावण, उनको रासुका के तहत जेल में रखा हुआ है। यह बर्दाश्त होने वाली नहीं है और संभल जाएं और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, नहीं तो 19 में उखाड़ के फेंकना निश्चित है। जो 2 अप्रैल को भारत बंद आंदोलन हुआ था उसमें हजारों की तादाद में पुलिस ने जो हमारे लोगों की गिरफ्तारी की, लड़कों की गिरफ्तारी की, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, उनको छोड़ गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको रिहा नहीं किया गया है क्योंकि ये ब्राह्मणवादी सरकार है और ब्राह्मणवादी सरकार हमारे लोगों को चाहती है कि ये सर न उठाए। जिस तरह से गुलाम थे, गुलाम बन के रहे, लेकिन वो समय चला गया। अब भारत में मनुष्य स्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान लागू है और हम अपना आवाज़ उठाने के लिए आगे आए हैं। माननीय कांशीराम साहब ने हमारे समाज को जगाया है, उसी का रिजल्ट है ये। आज आपने देखा होगा पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट में सिर्फ नीला झंडा और सर दिखाई दे रहा था जो भीम सैनिकों का था। तो सरकारें हमें फंसाना ही चाहती है, हमें फंसाना ही चाहती है झूठे मुकदमों में, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम उसका जवाब देंगे और जवाब 19 में पूरा देंगे और इसको तो संसद से उखाड़ के फेंकेंगे। क्या भीम आर्मी बीएसपी का सपोर्ट करेगी? भीम आर्मी पूर्ण तरीके से मायावती जी के साथ है, रहेगा। अब उनका क्या कहना है वो अलग है, लेकिन हमारा समाज जो है कोर सपोर्टर है उनका। के इस मंच पे कोई भी बीएसपी का कार्यकर्ता या बड़ा नेता नहीं था। एक्चुअली कहा गया है कि यह संगठन एक सामाजिक संगठन है, इसलिए बीएसपी के लोग नहीं थे। लेकिन जैसा कि मैं एक दलित समाज का हूँ, मुझे एक मायावती के अलावे मुझे दूसरा नहीं दिखता है। मैं बहन जी के अलावा मुझे दूसरा नहीं दिखता है, वही एक विकल्प है, मैं उन्हीं को चुनूंगा। ऐसा इसलिए है कि भीम आर्मी जो हमेशा निकल चुकी है और बहुजन जाग चुका है, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। और ये आप कह रहे हैं बीएसपी का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं आया है, भीम आर्मी उसी का सपोर्ट करेगी जो भीम आर्मी का सपोर्ट करेगा। जय भीम। ये थे हमारे साथ एक युवा, और भी लोग हैं हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं। जो कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं जालौन से आया हूँ, जालौन यूपी से। अच्छा, तो यहाँ किसके कहने पर आए हैं, किसने बुलाया? अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए हैं, भीम आर्मी के साथ काम करते हैं मिलकर। जो जालौन में दलित शोषित समाज के साथ जो उत्पीड़न होते हैं उनके लिए काम करते हैं हम, हमारी भीम आर्मी की टीम जालौन में। तो ये थे हमारे साथ अनेक युवा और लोगों से बात करेंगे जो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भीम आर्मी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया सरकार को दिखाने के लिए कि जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, वरना 2019 में इसका असर देखने को मिला। मोदी सरकार कैमरामैन राजेश जाटव के साथ, मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।